नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखो, कक्षा हमारी एक है, विषय हमारा हिंदी है। देखो बच्चों, आज हम रिमझिम वन में से जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम, कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है, पेज नंबर हमारा 6 है, जिसमें से हमें आज पढ़ना है स्वाध्याय पुस्तिका में से। जो रिमझिम हमारी स्वाध्याय पुस्तिका है उसके जो पीछे आपको पेज नंबर 54 यानी 54 पर जाना है, वहाँ पे आपको दिया है दृश्य वर्णन, यानी दृश्य वर्णन आज हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पार्ट 5 हुआ था वहाँ तक आपको अच्छे से लिखना है और आपको अध्ययन भी करना है बच्चों। और जो पार्ट नंबर हमारा 5 हो चुका है, आज हम पार्ट नंबर 6 आगे का पढ़ने वाले, बीच में मैंने रख दिया है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये आज पढ़ने वाले हैं। और आप ये मत पूछना कि वो क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये जो हमारी आम की कहानी है, जो कविता झूला है, वो हमारी हो चुकी है, किसमें से, हमारे रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से। तो आज हम स्वाध्याय पुस्तिका में पढ़ेंगे बच्चों, जो मैंने आपको ये दृश्य वर्णन बताया था। देखिए, ये स्कूल का क्या है, यानी शाला का चित्र है, और हमारी झूला भी हो चुकी है, इसके लिए आज मैं आपको ये समझा रही हूँ, और आपको इसके क्वेश्चन के आंसर आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दृश्य वर्णन दिया है आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 8 से। यह चित्र शाला के विराम के समय का है, यानी कि जो चित्र हमें पाठ्य पुस्तक सामने रखिए और वहाँ पर देखिए, पाठ्य पुस्तक सामने रखिए और स्वाध्याय पुस्तिका भी आपके सामने रखिए, और आपको जानना है कि ये क्या है। यह चित्र शाला के विराम के समय का है। चित्र को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात पेज नंबर 8 के पहले चित्र में शाला की दीवार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सूत्र लिखा हुआ है। सामने ही दीवार पर भगत सिंह का चित्र है। एक लड़का और लड़की वहाँ बैठे हैं, वे कुछ खा रहे हैं। शाला की कक्षा का दरवाज़ा और खिड़की दिख रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि चित्र आप देख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ के दरवाजे के सामने पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे एक अध्यापिका बातें कर रहे हैं। एक और झूला है, झूले पर लड़की झूल रही है। एक लड़की और लड़का झूले के पास खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। एक लड़का गिलोल से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पेड़ के नीचे कचरा पेटी जिस पर लिखा है मेरा प्रयोग करें। तो आप चित्र देख रहे हो बच्चों, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चित्र में सब कुछ दिखाई देगा। देखिए, पेड़ के नीचे कचरा पेटी है, अध्यापक और अध्यापिका क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बाद में है दृश्य वर्णन पाठ्य पुस्तक, सॉरी बच्चों, ये पढ़ना रहेगा। सबसे नीचे एक छोटा सा तालाब दिख रहा है, बाई ओर एक लड़का कागज के नाव बना रहा है। उसके पास एक लड़की लड़के को डांट रही है। ऐसा लगता है दाई ओर लड़का कागज के नाव जल में बहा रहा है। तो देखो बच्चों, जो था चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे है दृश्य वर्णन पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 9 पर दिया है। चित्र में शाला के अंतिम शोर दिखाई दे रहा है, उसका दरवाजा बाई ओर है। दाई ओर की दीवार पर गांधी जी का चित्र है। तो आपको दिख रहा है ना बच्चों, आप देख रहे हो ना, आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र वर्णन दिया है वो आपको देखना है ना, अभी दूसरे पेज पर देखना है आपको, ओके। तो देखिए, खिड़कियाँ, उसके ऊपर 3 खिड़कियाँ हैं, पास में एक पेड़ भी है। शाला का मुख्य प्रवेश द्वार बंद है, अंदर और एवं छात्रों 2 छात्राएं हैं। प्रवेश द्वार के बाहर की ओर कुछ अभिभावक अभिभाविका दिखाई दे रहे हैं। एक कार भी खड़ी दिख रही है। बाहर मुख्य मार्ग पर कुछ मकान, मिठाई वाली की दुकान, टेलर्स की दुकान दिख रही है। मुख्य दरवाजे की एक ओर एक कमरा है, वहाँ शाला की घंटी भी दिख रही है। कमरे में चबूतरे पर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 लड़कियाँ रस्सी कूद रही है, दूसरी ओर एक लड़का और लड़की सीढ़ियाँ खेल रहे हैं। मैदान के बीच ध्वज वंदन का खंभा लगा है, तू गोला
गोलाकार छोटा चबूतरा बना है। पाइप लगाने हेतु एक छोटा पाइप का टुकड़ा बीचों बीच लगाया हुआ है। तीन लड़के और तीन लड़कियां सैतलिया का खेल खेल रहे हैं। उसमें एक लड़की पिपिहरी बजा रही है। चबूतर पर बैठी माँ अपने पुत्र को खाना खिला रही है। देखो बच्चों, इस तरह से ये क्या है, हमारा दृश्य वर्णन, जो चित्र हमें दिया है उसका वर्णन किया है यहाँ पे लेखक ने। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हैं। देखिए, चित्रों के आधार पर दृश्य वर्णन के नीचे चित्र में जो चित्र है उन चित्रों में सही का और न हो उस चित्र के नीचे गलत का चिन्ह लगाए। यानी दृश्य वर्णन के चित्र में जो चित्र है, यानी कि जो दृश्य वर्णन हमें दिया है पाठ्य पुस्तक में, उसमें कौन कौन से इसमें चित्र है तो उसके सही करना है और नहीं है उसमें गोला करना है, रॉन्ग करना है। इसमें है तो ये सही, ये रॉन्ग। अभी ये है क्या वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्कूल में? नहीं, तो ये रॉन्ग। यहाँ पे कौन है, पोस्टमैन है? नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे स्कूल, स्कूल तो है। बॉल है क्या, बॉल खेल रहे हैं बच्चे? कोई आपको दिख रहा है कि बॉल खेल रहा है तो आप बता सकते हो। बताओ बच्चों, बॉल खेल रहा है कोई बच्चा? नहीं खेल, हाँ खेल रहा है। क्या कर रहे हैं? बॉल खेल रहे हैं। फिश है क्या वहाँ पे? नाव है, झूला भी है, बेंच पे नहीं बैठे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? फल फ्रूट दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे सारे हैं उसमें। कार दिखाई दे रही है आपको, गाड़ी वहाँ पे? हाँ तो सही आएगा। दरवाजा दिखाई दे रहा है स्कूल का, गेट? हाँ। टेबल दिखाई दे रहा है? नहीं। और ये कचरा पेटी भी दिखाई दे रही है। इसलिए आपको क्या करना है वहाँ पे, सही और गलत करना है बच्चों। आगे आपको चित्र के आधार पर एक एक शब्द में जवाब देना है। यानी कि आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे, जिसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, यह किसका दृश्य है? तो किसका दृश्य था जो पाठ्य पुस्तक में हमें दिया गया था, किसका था बच्चों? शाला का। तो हम शाला लिखेंगे। स्कूल शाला के किस समय का दृश्य है? तो विराम समय का है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे खेल रहे हैं। पेड़ के नीचे क्या रखी है? कचरा पेटी रखी है। अध्यापक और अध्यापिका क्या कर रहे हैं? तो बातें कर रहे हैं। कितने बच्चे झूला झूल रहे हैं? तो एक बच्चा झूला झूल रहा है। दोनों चित्रों में कुल कितने बच्चे हैं? तो 28 हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सूत्र कहाँ पर लिखा है? तो शाला की दीवार पर, यानी जो विद्यालय है वहाँ पे वो दीवार पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 56 पर देखना है हमें। निम्न को रेखा खींचकर जोड़िए। देखो, एक नंबर पर पेड़ पर क्या है? पेड़ पर फल लगे हैं। पेड़ के नीचे कचरा पेटी है। एक लड़की झूला झूल रही है। मैदान के बीच ध्वज वंदन का चबूतरा है। तीन लड़कियां रस्सी कूद खेल रही है। तो ये आपको इसे जोड़ियां मिलानी है बच्चों। सही उत्तर के पास सही का बॉक्स में आंसर देना है बच्चों। देखिए, दीवार पर किसका चित्र है? तो भगत सिंह का। झूले पर लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है। लड़का क्या बना रहा है? कागज की नाव बना रहा है। शाला का मुख्य प्रवेश द्वार बंद है या खुला? तो बंद है। लड़का किससे फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है? गुलेल गिलोल से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सूत्र कहाँ लिखा हुआ है? दीवार पर लिखा है। एक अध्यापक और एक अध्यापिका पेड़ के नीचे खड़े हैं। मेरा प्रयोग करें, यानी मेरा प्रयोग करें, ये कौन बोल रहा है बच्चों? कचरा पेटी बोल रही है, उस पर वो लिखा हुआ है। ये बोलती है क्या कचरा पेटी? नहीं, उस पर लिखा होता है कि मेरा उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का और एक लड़की झूले के पास अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी झूला झूलने का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शाला की दाईं ओर की दीवार पर गांधी जी का चित्र बना है। तो आपने देखा होगा ना चित्र में कि दाई ओर बाई ओर है क्या? बाई ओर किसकी चित्र लगी है? भगत सिंह की। और दाई ओर गांधी जी की चित्र लगी हुई है। शाला के प्रवेश द्वार के सामने मिठाई वाली की क्या है? दुकान है। एकदम गेट के सामने आपको दिख रहा है ना बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो ना, वहाँ पे लिखा है मिठाई वाला। तो आप दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे मिठाई वाली की
प्रवेश द्वार के बाहर कार खड़ी है। अभी देखो वहाँ पे जो बड़ा गेट है हमारे स्कूल का गेट है, वहाँ पे शाला का गेट है, वहाँ पे एक कार खड़ी है, आप देख रहे हो। तीन लड़के और तीन लड़कियाँ सतोलिया का खेल खेल रहे हैं। सतोलिया का क्या खेल रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। लड़की पिपिहरी बजा रही है, माँ अपने पुत्र को क्या कर रही है? खाना खिला रही है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे निम्न अक्षरों को पहचानो और उसमें रंग भरो, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोला है, नीचे ऊ पहचानो, बड़ा ऊ पहचानो, तो आपको ऊ पहचानना है और उसमें ही रंग भरने, बाकी सब में नहीं भरने हैं, ये वाले आप रंग नहीं भरने, खाली ऊ पहचान कर उसमें ही रंग डालने हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, न, तो न में ही रंग आएंगे, बाकी में नहीं आएंगे, बाद में न, न में ही रंग आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, फिर म, म में ही रंग आएंगे, इस जो आपका मन चाहे रंग आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो और अक्षरों को पहचान सकते हो, यानी शब्दों को पहचान सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको करना है, ये क्या है आपका होमवर्क है, आपको घर में अच्छे से करना है। श पहचानो ज्ञ और उ, इस तरह से आपको पहचान कर उसमें रंग भरने हैं। देखिए बच्चों, ये आपका होमवर्क है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि चौकन में दिए गए अक्षर जैसे अक्षर ढूंढकर उस पर गोला कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, चौकन में जो अक्षर दिए उसी तरह पे गोला करना है। ओके, ये आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। आगे देखिए, निम्न अक्षरों में रंग भरिए, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये अक्षर आपको पढ़कर इसमें रंग भरने हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। झूला जो हमने पोयम सीखी थी, किसमें से? पाठ्य पुस्तक में से, झूला। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, हम झूले, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। आपने पढ़ी थी ना ये पोयम, लर्न की फिर अपने अध्ययन की। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो देखो बच्चों, बच्चा जब झूले पर बैठा है उसे कितना आनंद आ रहा है, वो क्या क्या बातें कर रहा है। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटू दल बादल। तो देखो बच्चा किसकी बात कर रहा है, झूला एक बालगीत है बच्चों, झूला क्या है, एक बालगीत है। इस काव्य में बच्चा अपनी माँ से झूला लगा देने की बात करता है, इसमें कुदरती वातावरण दर्शाया हुआ है, साथ साथ बाल मानस की कल्पना अभिव्यक्त की गई है। तो आपको पता होगा ना, झूला में हमें ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे स्वाध्याय दिया हुआ है आपको, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। तो हमें जो झूला हमारी कविता थी उसके आधार पर हमें क्या करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चा किसे झूला लगा देने के लिए कहता है? अपनी अम्मा से। बच्चा झूले पर से किसे छू लेगा? आसमान को। डाली क्या झूल रही है? झूला। झूले पर कैसा मजा आता है? बड़ा मजा। नीचे की धरती क्या झूल रही है? झूला। रिमझिम रिमझिम क्या बरस रहा है? बादल। दल बदल कौन लूटना चाहता है? तो कौन लूटना चाहता है? बच्चा। तो देखिए बच्चों, जो मैं पीडीएफ के द्वारा आपको ये फोटो भेजूंगी, तो आपको आपके स्वाध्याय पुस्तिका में पूरा ऐसे ही लिखना है, और आपको लर्न मैंने आपको ध्यान भी रखना है, और आपको क्या करना है, याद भी करना है सब। आसमान को यानी मैं छूलूंगा, झूला झूल रहा है पत्ता पत्ता, चल रे चल दिल्ली कलकत्ता, झूल रही है नीचे की धरती, बरस रहे हैं रिमझिम रिमझिम बादल, उड़कर मैं लूटू दल बदल। इस तरह से आपको क्या करनी है, जोड़ियाँ मिलानी है बच्चों, इसमें पंक्तियाँ में काव्य पंक्ति पूरी करनी है आपको, जो आप पाठ्य पुस्तक में देख के कर सकते हो, वो आपका होमवर्क है बच्चों, जो आपको यहाँ पर लिखना है अच्छे से, आप काव्य पंक्ति पूरी कर लेना है। फिर यहाँ पे सही उत्तर के पास बॉक्स में सही कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे सही उत्तर के पास सही करना है। बच्चा माँ से क्या लगाने के लिए कहता है? तो आपको तो पता है ना, क्या लगाने के लिए कहता है? झूला। तो आपको वहाँ पे सही करना है। ओके, फिर पेड़ की डाली से क्या बांधा है? क्या बांधा है पेड़ की डाली से? रस्सी बांधी है, झूला बांधा है, या झूला बांधा है?
ऊपर उड़ बढ़कर बालक किसका स्पर्श करना चाहता है? आसमान का। डाली डाली क्या कर रही है? झूला झूल रही है। झूले पर किस तरह के से आनंद आता है? चल दिल्ली चल करतला बोलने से। अब आगे है, नीचे की धरती किस प्रकार की प्रकार झूलती है? झूले पर हम झूलते हैं तो धरती भी झूलने लगती है। बारिश कैसे बरस रही है? रिमझिम रिमझिम। बारिश कैसे बरस रही है? रिमझिम रिमझिम। देखिए यहाँ पे आपको शब्द रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अम्मा मुझे आज झूला लगवा दो, हम झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा, झूला झूलने से आनंद मिलता है, मैं बादलों के दल को लूटूंगा। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैसे ही रिक्त स्थान लिखने हैं। देखिए निम्न अक्षर पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ पे आपको पढ़ना भी और नीचे जो बॉक्स में मैंने लिखा है वैसा ही आपको पढ़कर लिखना है। ये भी आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है जो आपको घर पे करना है। जो हुआ है हमारा चौकन में दिए गए अक्षर जैसे अक्षर ढूंढकर उस पर गोला करना है, तो वो आपको क्या करना है, होमवर्क है, घर पे करना है। यहाँ पे आपको निम्न शब्द पढ़िए और लिखिए, पढ़कर लिखने हैं आपको शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं। और देखिए इसमें से जिन चीज़ों पर तुम झूले हो उस पर क्या करना है, सही करना है। यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिया है, टाइम पे झूले हो आप, झूले होगे तो ही सही करना, नहीं झूले तो नहीं करना है। फिर फाटक पर तो बच्चे झूलते हैं, झाड़ू पर तो कभी नहीं झूले होंगे, दरी पर भी नहीं, टेबल पर भी नहीं, मेज पर भी नहीं, और डाली पर झूले होंगे, और उस पैर वाले झूले में भी, और अलमारी में, अलमारी के ऊपर आप पकड़ के झूलते हो क्या, वहाँ पर आपको लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इस झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा? तो देखिए बच्चों ब्रैकेट्स में नाम दिए हैं कि आपने इस झूलों को कहाँ कहाँ पे देखा है। तो देखिए ये घर के आंगन में जो पेड़ होता है हम वहाँ पे झूला लगाते हैं, ये घर का आंगन ही है, जो पेड़ होता है वो टायर का झूला हम लगाते हैं, या पार्क में भी ऐसा होता है। पार्क में देखो जो घोड़े पे छोटे छोटे बच्चे बैठ के झूलते हैं वो वाला, फिर ये मेले में होता है, फिर ये स्कूल में, और ये बगीचे में। इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है। आगे का पार्ट नंबर हम आगे देखेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर कितना था? 6 था, जो यहाँ पे पूरा हुआ। और आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से राइटिंग में लिखने हैं बच्चों, और पढ़ने भी हैं। जय गायत्री।